अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारे सामने विंटर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 बीएफडी का मौजूद है जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन से पर्टेन करता है और उसकी फाइनेंसिंग कैसे की जाए इस बात से पर्टेन करता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है काराकोरम लिमिटेड KL इज कंसिडरिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस By acquiring 100% shareholdings in Shalimar Limited, यानी कि काराकोरम लिमिटेड एक कंपनी है और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर और शालीमार लिमिटेड के 100% शेयर्स को परचेज कर रही है, विच इज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। दोनों कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, बिजनेस सेम होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ एंटिटीज। दोनों एंटिटीज के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मौजूद है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन और नेट प्रॉफिट। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन मौजूद है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं दोनों कंपनीज के पास, नॉन करेंट एसेट्स हैं, करेंट एसेट्स हैं और करेंट लाइबिलिटीज की अमाउंट्स मौजूद हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में मजीद कुछ बातें बताता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है द प्रपोज्ड एक्विजिशन विल इनेबल KL टू सेव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय ₹31 मिलियन पर एनम, यानी कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹31 मिलियन रुपए से हर साल कम हो जाएंगे। हाउएवर KL विल हैव टू पे ₹20 मिलियन इमीडिएटली टू द आउटगोइंग स्टाफ। 20 मिलियन रुपए इमीडिएटली पे करने होंगे, ऑन स्पॉट, ऑन टाइम, टुडे पे करने होंगे और एक बार पे करने होंगे ताकि वो जो स्टाफ है, डुप्लीकेट स्टाफ है, वो हम रिडंडेंट कर सकें। फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन वर्कड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। मर्ज्ड एंटिटी के बारे में जो है वो कुछ प्रोजेक्शंस वर्कआउट हुई है। प्रोजेक्शंस यानी कि जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी, KL और SL एक हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। इन फर्स्ट 3 ईयर्स ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स other than depreciation will be 6% per annum. Operating expenses other than depreciation will grow by 5% per annum. From 4th year and onwards, चौथे साल और उसके बाद free cash flows are expected to grow at a constant rate of 3% per annum. और कोई limit नहीं है, यानी कि perpetuity में। Current assets and current liabilities will grow in a line with revenue. Revenue जैसे जैसे increase होगा वैसे वैसे current assets और current liabilities increase होंगी, बिकॉज कंपनी का जो है साइज वो इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके एसेट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डेटर्स, पेबल्स एंड सो ऑन सारी चीजें इंक्रीज हो रही होंगी। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि 75% दूसरा खर्चा होगा एंड 10% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 90% दूसरा खर्चा होगा इन बोथ एंटिटीज। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी नो मटीरियल चेंज इन डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर्स। Assume that tax depreciation is equal to accounting depreciation. Tax की depreciation और accounting की depreciation equal है। Sir, अगर ये line ना लिखी हुई होती तो क्या होता, और अगर लिखी हुई है तो क्या है। देखो यहाँ पर tax depreciation, accounting depreciation same है, तो जब हम tax का expense calculate करेंगे तो किसी किस्म की कोई adjustment नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों same ना होती तो हम profit जो होता उसमें accounting depreciation को add back करते, tax depreciation को minus करते, फिर हम टैक्स का रेट अप्लाई कर टैक्स की वर्किंग करते और टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करते और उसको अपनी मेन वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते जहां पर भी अप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेट करना है। यहां पर दोनों चीजें उसने कह दिया कि एक दूसरे के बराबर है, तो आप टैक्स का जब रेट लगाओगे तो वो टैक्स का रेट जो है वो आपको टैक्स ही दे देगा अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हुई है। फिर भी फोर में लिखते हैं करंट मार्केट प्राइस ऑफ KL एंड SL आर 38 and 20 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। The weighted average cost of capital will be 18% following the acquisition of SL. उसने ये भी बता दिया कि भाई acquisition के बाद जो आपका WACC होगा वो 18% होगा। Using the free cash flows method, determine the maximum price that KL may pay to the shareholders of SL. KL क्या maximum price है जो SL के shareholders को pay करेगा उसको acquire करने के लिए। तो पार्ट ए को जरा हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए के हिसाब से पहले तो हमें काम यह करना पड़ेगा कि जो मर्ज्ड कंपनी होगी, जो मर्ज्ड एंटिटी होगी, उस मर्ज्ड एंटिटी का जो अमाउंट, जो उसकी वैल्यू बनती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू बनती है, वो कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सवाल ने हमें हिंट दे दी कि भाई मैं फ्री कैश फ्लोस मॉडल अप्लाई करवाना चाह रहा हूं,
अच्छा सवाल ने ये लिखा, यूजिंग दी फ्री कैश फ्लो मेथड। अब सर फ्री कैश फ्लो मेथड में तो दो चीजें आती हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। सवाल ने आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, वो क्यों दिया भाई? वो हिंट ये दे रहा है कि आपने फ्री कैश फ्लो टू फर्म या फ्री कैश फ्लो टू कंपनी को अप्लाई करना है रादर देन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल को अप्लाई करना। और दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया था। मैं जल्दी से इसकी वर्किंग करूंगा ताकि किसी का इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और जल्दी से ये पूरा सवाल जो है वो कोप अप हम कर लें। मैं जो है ना वो कुछ कॉलम्स डाल देता हूँ ईयर्स के, ठीक है ना। सबसे पहली बात सेल्स रेवेन्यू। अच्छा ईयर्स क्या होंगे? देखो हमें जो टाइम हॉरिजॉन दिया हुआ है ना, हमें जो टाइम हॉरिजॉन दिया हुआ है, आप सवाल अपने सामने भी अलग डिवाइस पे रखना, वो दिया हुआ है 3 सालों का। 3 सालों की हमें डिटेल्स है इंक्रीज डिक्रीज वगैरह की, और फिर 4th साल और उसके बाद हमेशा के लिए कोई एक सर्टेन चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर तो हम आकर जो है ना अपना जो परपेचुअल ग्रोथ का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमें 3 साल के कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। साथ में ईयर जीरो पर, यानी कि अभी आपने कुछ पेमेंट भी करी है उसको भी अकाउंट फॉर करना। तो हम करते क्या है भाई, हम यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं, हम सेल्स रेवेन्यू की हेडिंग डाल देते हैं और सेल्स रेवेन्यू के बाद जो है हम अपने पास ईयर्स लिख लेते हैं। हमारे पास ईयर नंबर जीरो है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईयर नंबर 1 होगा, इसी तरह से हमारे पास ईयर नंबर 2 होगा, एंड फाइनली एक ईयर नंबर 3 होगा। अब जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो KLSL एक हो जाएंगे, यानी कि 564 प्लस 177 741 का सेल्स रेवेन्यू बनता है। बट सवाल में एक और बात लिखी हुई है और वो ये लिखी हुई है कि ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अदर देन डेप्रिसिएशन वुड बी 6% पर एनम इन फर्स्ट ईयर्स। पहले 3 सालों में जो सेल्स रेवेन्यू आपका वो 6% के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। अभी जो मैंने आपको अमाउंट कैलकुलेट कर बताई जो कि 741 आ रही है, वो तो इन दोनों की वैल्यू आ रही है। और इन दोनों की वैल्यू क्या का क्या मतलब है? मर्जर से पहले आज के हालात हैं, ये 1 साल के बाद के हालात नहीं है। आपको तो जो बेनिफिट मिलेगा या जो मर्ज एंटिटी होगी उसका जो पहला सेल्स रेवेन्यू होगा वो 564 प्लस 177 नहीं होगा। ये तो ईयर जीरो वाली वैल्यूज हैं, ये तो बेस ईयर है या ये आज के अभी का दिन है जिस दिन के ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। आपको पहली बार सेल्स रेवेन्यू आज से 1 साल बाद मिलेगा, यानी कि आपको जो सेल्स रेवेन्यू मिलेगा वो 741, यानी कि दोनों के सेल्स रेवेन्यू को ऐड करके 1.06 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 785.46 या 785.46 है, चलो 785 लिख देते हैं, ठीक है। मैं क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाए चीज़ें, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम 785 लिख देते हैं। अच्छा उसके बाद इसकी को हम 6% से ग्रो करते हैं, क्योंकि हर साल 6% से ग्रो होना है, तो अगले साल हो जाएगा तकरीबन 833, ठीक है, 833 अगले साल हो जाएगा। और फिर वापस इसी को 1.06 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 883, ठीक है। तो इससे अगले साल का हो गया 883 जनाब। ये सेल्स रेवेन्यू होगा। अच्छा ये सेल्स रेवेन्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पर जो अकर होंगे वो हो गए। इसी तरह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सही है ना। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स 384 प्लस 110, तो ये तो टोटल सर 494 बन रहा, ठीक है ना, ये तो टोटल 494 बन रहा। इसमें सर कोई एडजस्टमेंट है, कोई बात है? देखते हैं कि कोई पॉइंट लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल से रेलेवेंट। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल से रेलेवेंट एक बात तो ये है कि कहीं पे कोई पॉइंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसका ग्रोथ रेट दिया हुआ, ठीक है ये रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 6% से ग्रो हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी लिखता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना वो 6% से ग्रो होगा। तो जब ये ग्रोथ रेट लिखा हुआ है तो मुझे उसको ग्रो करना है। इसके अलावा भी एक बात लिखी हुई है, वो ये कि डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड 10% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन बोथ एंटिटीज। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी नो मटेरियल चेंज इन डेप्रिसिएशन ओवर द इयर्स, अज्यूम दैट टैक्स डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जो है ना वो अगर हम सेपरेटली ट्रीट करें, और क्योंकि इसने ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन ग्रो नहीं होगी, तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 है, 100 में से 25 जो है वो डेप्रिसिएशन के, बाकी 75 वो खर्चे हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस कैश वाले शामिल है,
यानी कि मैं पहले काम ये करता हूँ कि 384 प्लस 110 करता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा 494, 494 का 75% लेता हूँ ताकि डेप्रिसिएशन के अलावा वाला अमाउंट पता चले, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो ग्रो नहीं कर रही है, जो 6% का ग्रोथ रेट है सवाल क्या है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स पर है। तो जो मैंने 75% लिया वो 370.5 बन रहा है, 370.5 को 1.06 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 392.73 बन रहा है, यानी तकरीबन मैं यहाँ पर 393 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसको वापस से 6% से हम अगर ग्रो करते हैं तो 416.29 बन रहा है, मैं 416 लिख देता हूँ। अच्छा, उसको वापस से 6% से अगर हम ग्रो करते हैं तो 441.27 बन रहा है, मैं 441 लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इसमें क्या डेप्रिसिएशन है? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों नहीं ली सर? क्योंकि उसने ग्रो नहीं करना, ठीक है ना। सवाल में जनरली डेप्रिसिएशन के लिए लिखा होता है, डेप्रिसिएशन ग्रो नहीं होगी, दूसरे खर्चे ग्रो होंगे ड्यू टू एनी फैक्टर्स। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम कर लेते हैं विदाउट डेप्रिसिएशन। तो इसको हम इफेक्टिवली सही से ग्रॉस प्रॉफिट का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन लेट्स कैलकुलेट 785 माइनस 393 इज 392, ठीक है ना, 392। उसके बाद 833 माइनस 416 इज 417। अच्छा, उसके बाद 883 माइनस 441 इज 442। यह अमाउंट्स हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करंट कितने हैं? 84 और 30 दोनों का एडिशन कितना होता है? 114। 84 और 30 दोनों का एडिशन कितना होता है? 114 होता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसमें कोई पॉइंट लिखा हुआ है? अच्छा, अब अगेन देखो, 10% जो है ना इसका डेप्रिसिएशन है, तो 84 प्लस 30 114 होता है, 114 का 90% जो है ना 102.6 बनता है, 102.6 बनता है। मैंने 90% लिया है 114 का, बिकॉज बाकी क्या है, बाकी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग तो हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये 102.6 बना। एक और बात जो सवाल में लिखी हुई है वो ये है, द प्रपोज डेप्रिसिएशन विल इनेबल केएल टू सेव दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रुपीज 31 मिलियन पर एनम। यानी कि आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 31 मिलियन से कम भी हो जाएंगे। तो 102.6 आया, इसमें से आप 31 को माइनस कर दो, 31 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाते हैं 71.6। 71.6 जो बच गया ना, उस पर 5% का ग्रोथ रेट अप्लाई होगा, ये डेप्रिसिएशन के अलावा है, और जो खर्चे हमारे कम हो गए उसको भी हमने हटा दिया। तो 71.6 को हम अगर 5% से ग्रो करते हैं तो 75.18 बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली वैल्यू जो हमारी आएगी वो है 75.18। अच्छा, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? 1.05 से इसी को मल्टीप्लाई किया तो 75.18 है, तो 75 लिख लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हम तो होल नंबर्स में काम कर रहे हैं। और अगला 78.94 है तो 79 लिख देता हूँ, मैं 79 लिख देता हूँ। और उससे अगला वापस से 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो 82.88 है, यानी कि 83 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन कितनी होगी भाई? डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी डेप्रिसिएशन है, 384 प्लस 110 दोनों का एडिशन होता है 494। उससे कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स में 25% डेप्रिसिएशन है, तो 494 का 25% यह आता है 123.5 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितनी डेप्रिसिएशन है, 84 प्लस 30 टोटल आता है 114 का, उसने बोला था 10% डेप्रिसिएशन है, तो इसका 10% 11.4 बनता है, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है, 11.4 प्लस 123.5 134.9 की अमाउंट बनती है। और डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी, यानी कि यहां पर भी 134.9, यानी कि तकरीबन 135, फिर वापस से 135, फिर वापस से 135। सर, आप डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों कर रहे हो? ये तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मैं टैक्स के एक्सपेंस का अमाउंट मालूम करने के लिए माइनस कर रहा हूं और इसको मैं दोबारा से ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सर, अगर हम इसका सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स का बेनिफिट होता है उसको अकाउंट फॉर कर दें, उसकी अकाउंटिंग कर लें तो सही होगा? हाँ, वो एक और अल्टरनेटिव तरीका होता है। दोनों से आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आता है, आप उस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब जो आपने कुछ पेमेंट आज भी करी है, आज कैसे पेमेंट करी है? केएल ने कुछ लोगों को काम से निकाला, बोला मैं दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है और उसी स्टाफ को हम दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे, तो यार ये 20 मिलियन रुपए रखो आज और आप लोग चले जाओ, ठीक है ना। तो 20 मिलियन रुपए जो रिडेंडेंसी की पेमेंट है वो आज हुई है, तो यहाँ पर एक रिडेंडेंसी की पेमेंट भी होगी 20 मिलियन रुपए की, ठीक है जनाब। अब हम देख लेते हैं कि भाई
जो हमारा ऑपरेशंस पर जो टैक्स का अमाउंट होगा वो कितना होगा। नाउ इसको हम ये लिख देते हैं -20 बिकॉज ये एक पेमेंट है, और इसी तरह से हमने जो है ना वो 392 में से माइनस किया 75 और 135, जब दोनों माइनस कर दिया 182 बच गया। उसके बाद 417 में से हमने माइनस किया 79 और 135, दोनों का माइनस किया तो 203 बच गया। उसके बाद 442 माइनस 83 माइनस 135, दोनों को माइनस किया तो 224 बच गया। ठीक है भाई, ये अमाउंट्स हमारे पास बच गई हैं, और फिर इस पे हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स का रेट जो है वो 30% है, तो टैक्स का रेट अगर 30% है तो 30% टैक्स लगाते हैं। 182 का 30% इज 54. सही है, जो कंपनी का ईयर नंबर वन होगा, जो कंपनी का ईयर नंबर वन होगा, फॉर एग्जाम्पल पहली जनवरी को आपने 20 मिलियन की रिडंडेंसी की पेमेंट करी है, और 31 दिसंबर को आपने अपने ऑपरेशंस खत्म करे जिसमें 182 कमाया है, इस 182 में 20 माइनस नहीं बाबा, तो जो कंपनी का ईयर नंबर वन होगा उसकी नेट अर्निंग्स होंगी 182 माइनस 20 विच इज 162। 162 का 30% टैक्स में जाएगा, 30% टैक्स जो है वो 48.6 बनता है, तो हम 49 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम होल नंबर्स में काम कर रहे हैं। और अब हम डिप्रिसिएशन के एक्सपेंस को वापस से एड बैक कर देते हैं, जो हमने सिर्फ इसलिए माइनस किया था ताकि हमारी टैक्स की वर्किंग हो जाए, तो इसको अगर हम वापस से ऐड बैक करते हैं तो 135 हमें ऐड बैक भी करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 203 का 30% लिया तो तकरीबन 60.9 या 61 आ रहा है, और 135 को ऐड कर दिया। इसी तरह से 224 का 30% लिया तो 67.2 या तकरीबन 67 आ रहा है, और 135 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो रही है, ये क्या है भाई, टैक्स है, और ये बिफोर दैट जो अमाउंट हमारा बच गया था टैक्सेशन अप्लाई करने के लिए वो अमाउंट था। अच्छा, इसके बाद वर्किंग कैपिटल के चेंजेस भी हैं। अब आपको ये मालूम है ना, IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम माइनस करते हैं, बिकॉज हमारे पैसे जो है वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, ब्लॉक हो रहे होते हैं, बुक हो रहे होते हैं। सवाल में वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या लिखा हुआ था, सवाल में वर्किंग कैपिटल के बारे में ये बात लिखी हुई थी कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल ग्रो इन लाइन विद रेवेन्यू, यानी कि जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो होगा वैसे वैसे ये दो चीजें भी ग्रो होंगी, वैसे वैसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं उनकी ग्रोथ भी होगी, और जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट था वो 6% का था, जो रेवेन्यू का ग्रोथ का रेट था वो 6% का था। तो भाई अगर हम इस हिसाब से अपने वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल जो है उसकी जरूरत होगी, तो हम वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं अभी हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है भाई। अभी हमारा वर्किंग कैपिटल होगा वो कैलकुलेट ऐसे होगा कि 463 और 198 इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो 188 और 134, तो 463 प्लस 198 माइनस 188 माइनस 134 ये आ जाता है 339। ये कितना आ जाता है, 339 आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा करंट वर्किंग कैपिटल वाला अमाउंट है 339। अब उसने ये लिखा है कि जैसे जैसे सेल्स रेवेन्यू ग्रो होगा वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल जो है उसकी वैल्यू भी ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो हमें अपने वर्किंग कैपिटल को उसी लिहाज से ग्रो करना। अच्छा, अब अगर हम उसी हिसाब से इसको ग्रो करेंगे ना तो 6% से ग्रो करेंगे, और अगर हम 6% से ग्रो करते हैं, अगर हम 6% से ग्रो करते हैं तो इसका ये मतलब हो गया जनाब 339 मल्टीप्लाइड बाई 1.06, यानी कि ईयर नंबर वन पर जो वर्किंग कैपिटल होगा वो 359.34 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वापस से 6% से अगर ग्रोथ होगी तो 380.9 होना चाहिए उसके अगले साल ईयर टू के एंड पे, और ईयर थ्री के एंड पे वापस से 6% से अगर ग्रोथ होगी तो 403.7 होना चाहिए। अब मेरा इतना पैसा तो ब्लॉक हुआ है, मेरा 339 पैसा तो ब्लॉक हुआ है, ईयर नंबर वन के एंड में ब्लॉकेज जो है वो 359.34 की है, तो एडिशनल फ्लो आउट कितना है इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो 20.3 का, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो 20.3 का है। अच्छा, इसी तरह से 380.9 माइनस 359.34 21.56 है, और उसके बाद 403.75 माइनस 380.9 22.85 है,
ठीक है ना। अच्छा यार, अब इसमें एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जनाब आपके पास ये करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ये सारी अमाउंट थी, वो आपकी बात मान ली है, और ये 339 की वैल्यू बनती है, ये बात भी आपकी मान ली है, और आपने ये कह दिया कि यार ये 6% के हिसाब से, यानी कि जिस तरह से रेवेन्यू ग्रो होगा उस तरह से ये ग्रो होता रहेगा, ये भी आपकी बात मान ली। लेकिन एक सवाल जो अगर तुम इग्नोर कर दो तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर उसको लिख दो तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और एक सोचने वाली बात जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि ये आपने एक रिडंडेंसी की पेमेंट कर लिया। अब ये जो 339 है, क्या ये ईयर जीरो की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल सर, ईयर जीरो की वैल्यू है। और अगर आपने 339 में से 20 की पेमेंट करी है तो आपके पास तो बच गया था 319। समझ रहे हो बात को भाई? आपने रिडंडेंसी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया तो अचानक से आपके जो वर्किंग कैपिटल था वो 339 से 319 हो गया। एक एडजस्टमेंट ये भी तो आनी चाहिए ना। और फिर मैं अगर 6-6% के हिसाब से ग्रो करूं तो भी एक आंसर आएगा। लेकिन खैर है, कोई मतलब इसमें देखें, कोई हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो बैठे नहीं हैं, तो एग्जाम हॉल में बैठकर अगर आप दोनों में से कोई भी एक बात ले लेते हो, अपने अकाउंट फॉर कर लेते हो एग्जाम्स में, तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है ना। बहरहाल, तो अब हम सिंपलर अजम्पशन पर ही चलते हैं, और हम सिंपलर अजम्पशन पर क्या चलते हैं भाई, जो हमें दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल 6% के हिसाब से ग्रो किया, डिफरेंस जो है वो अकाउंट फॉर कर लिया, यानी कि 20, 22, 23 है ना। तो यहां पर आ जाता है 20, यहां पर आ जाता है 22, और यहां पर आ जाता है 23। सर हमने ये पढ़ा है प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा सारा, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, तो ईयर थ्री पर मैं सारा का सारा जो है वो एज एन इनफ्लो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वो तो आगे सवाल में लिखा हुआ है ना, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स भी कहानी चलती रहेगी, ठीक है भाई। तो अब जरा हम हिसाब किताब करते हैं डिस्काउंटिंग से पहले का, तो ये आता है -20। अच्छा, ये बनता है आपका 182 माइनस 49 प्लस 135 माइनस 20, यानी कि ये आ जाता है 248। अच्छा, उसके बाद आपका 203 माइनस 61 प्लस 135 माइनस 22, यानी कि 255। अच्छा, उसके बाद 224 माइनस 67 प्लस 135 माइनस 23, यानी कि 269, ठीक है। और एक तो आपने इन सब को डिस्काउंट ऑफ करना है, लेकिन ये ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री है। उसने एक और बात लिखी थी, और वो ये लिखी थी कि फ्री कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3% पर एनम फ्रॉम फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स, चौथे साल और उसके बाद जो फ्री कैश फ्लोज होंगे वो 3% के हिसाब से हर साल ग्रो करते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को भी जो मुझे अब अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, अब उस चीज को कैसे अकाउंट फॉर करा जाए, देखो जनाब, ये नंबर थ्री जो है ना, वहां तक तो मैं ड्राफ्टिंग कर चुका हूं, और ये नंबर थ्री का फ्री कैश फ्लो जो है ना वो 269 है, ठीक है ना। ये नंबर फोर, ये नंबर फाइव एंड सो ऑन, ईयर फोर, ईयर फाइव एंड सो ऑन, हर साल जो है वो 3% का ग्रोथ है, 3% का ग्रोथ का रेट अप्लाई होगा, और वैक जो है ना वो 18% है। एक तरह से तुम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हो, और ये तुम्हारा डी नॉट तुम्हें दिया हुआ, ठीक है ना, और तुम्हारे पास जो है ना वो ये डी वन है, और ये जो है ना वो डी टू है, तो तुम इन सब को यहां कैसे लेकर आते हो, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू निकालने के लिए वर्किंग करते हो वही यहां पे भी वर्किंग होगी। डी नॉट की तरह फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी एट ईयर थ्री मल्टीप्लाइड बाय 1+3% बिकॉज ग्रोथ रेट 3% का, हाँ ग्रोथ रेट 3% का, डिवाइडेड बाय वैक यानी कि 18% माइनस 3%। तो जनाब ये कितना आता है, 269 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.15 इन माइनस 0.03 विच इज 230 सॉरी 1847। अब यार ये बात याद रहे, कंपनी की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि सारे कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू या जीरो की वैल्यू निकालना। ये जो वैल्यू आई है ना, ये 1847 की वैल्यू, यानी क्योंकि फॉर्मूला इन अमाउंट्स पे लगाया है तो वो थ्री पर आई है, तो थ्री से इसको जीरो पे भी लेकर आना है, करेक्ट। यानी कि अब हम यहां पर जाते हैं 184
1847 की अमाउंट है, 1847 की अमाउंट है। तो अब हमारे पास जो अमाउंट्स हो गए वो ये 20 का नेगेटिव हो गया, ये 248 हो गया, ये 255 हो गया, और ये 269 प्लस 1847 टोटल 2116 हो गया। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर 18% का है, 18% का डिस्काउंट फैक्टर पहला 1 बनेगा, दूसरा 1 डिवाइडेड बाय 1.18 यानी कि 0.847 बनेगा, 0.847 बनेगा। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.18 की पावर 2 यानी कि 0.718 बनेगा, 0.718 बनेगा। और उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.18 की पावर 3 यानी कि 0.609 बनेगा, 0.609 बनेगा। तो जी अब हम फाइनली अपने इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, और 248 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 248 इंटू 0.847 इज 210.056, 210 लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 255 इंटू 0.718, 183। उसके बाद 2116 इंटू 0.609, 1289। और यह नंबर जीरो पर नेगेटिव 20 है, नेट ऑफ करते हैं इसको, 210 प्लस 183 प्लस 1289 माइनस 20, 1662, ठीक है ना, 1662। ये फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल के हिसाब से जो नई कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू है। अब सवाल हमारा ये नहीं था कि नई कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, सवाल हमारा ये नहीं था। ये तो नई कंपनी की मार्केट वैल्यू हो गई। अच्छा, ये भी याद रहे कि चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमने क्योंकि फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी को वैक से डिस्काउंट किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आई है। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का मतलब ये है कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की वैल्यू आई है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो कंपनी की मार्केट वैल्यू आई होती है, जो कि हमारे सवाल में 1662 आ रही है, उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस करना पड़ता है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे डेट की वैल्यू। अब डेट की मार्केट वैल्यू दी हुई है, सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस शीट पर बस डेट की वैल्यू दी हुई थी, तो हमारी अजम्पशन ये होगी कि भाई जो बुक वैल्यू ऑफ डेट है वही मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, यानी कि 165 प्लस 148 तो ये आता है 313 यहां से माइनस कर दिया, यानी कि ये हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस किया। 1662 माइनस 313 इज 1349। सर 1349 क्या है, 1349 इज नोन एज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस किया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है 1349। अच्छा सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ गई, लेकिन सवाल उसका ये भी नहीं था। अब ये 1349 ये बता रहा है कि भाई जो नई कंपनी होगी ना, जो नई वाली कंपनी होगी उसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो 1349 होगी, ठीक है, जो नई वाली कंपनी होगी उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 1349 होगी। अच्छा, मर्जर से पहले इन कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी, केएल का एक शेयर 38 का था, एसएल का एक शेयर 20 का था, 38 का शेयर केएल का था और 20 का शेयर एसएल का था, यानी कि केएल की वैल्यू थी 205 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 38 यानी कि 779 केएल की वैल्यू थी। एसएल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 127 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 यानी कि 254 जो है वो एसएल की वैल्यू थी, ठीक है, 254। और इन दोनों का एडिशन कितना बनता है, 779 प्लस 254 इज 1033। अच्छा, मैं ये चीज नीचे भी लिख लूं, 774 और इन दोनों का एडिशन 1033। देखो ये के एल की और एस एल की मर्जर से पहले वैल्यू थी, मर्जर के बाद अब इनकी इक्विटी की टोटल वैल्यू 1349 चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सवाल ये कहता है कि भाई कितना जो है ना वो क्या कहते हैं सेनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है ना, बहुत सारी तरह के सवाल आ सकते हैं ना, एक सवाल आ सकता है कि भाई सेनर्जी कितनी क्रिएट हुई,
तो जनाब सैनर्जी कितनी क्रिएट हुई, मैं ये कहूंगा कि मर्जर के बाद कुल मिलाकर सारी चीज़ों की, सारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू 1349 हो गई है। मर्जर से पहले इनकी वैल्यूज जो थी 779 और 254, यानी कि 1033 थी। तो जो सैनर्जी क्रिएट हुई है वो क्रिएट हुई है ऑफ 1349 माइनस 1033, यानी कि टोटल 316 की सैनर्जी क्रिएट हुई है। 316 की सैनर्जी क्रिएट हुई है, 316 की सैनर्जी क्रिएट हुई है। ये एक सवाल आ सकता है कि भाई सैनर्जी कितनी क्रिएट हुई, बेनिफिट कितना क्रिएट हुआ, मर्जर होने से जो फायदा हुआ वो फायदे की वर्थ कितनी थी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा दूसरी बात, अब देखो होता ये कि नई वाली कंपनी जो है ना उसकी वर्थ है 1349, ठीक है ना। आप केएल थे और आप एसएल को खरीदने जा रहे थे, आप केएल थे और आप किसको खरीदने जा रहे थे, एसएल को खरीदने जा रहे थे। अब जब आप एसएल को खरीदने जा रहे थे उसका सवाल ये था कि यूजिंग दी फ्री कैश फ्लोज मेथड डिटरमाइन द मैक्सिमम दैट केएल मे पे टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ एसएल। केएल जो है वो एसएल के शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम क्या पेमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा कितनी पेमेंट करी जाए, ये सवाल था। देखो तुम एक कंपनी हो, तुम एक कंपनी हो और तुम्हारी जो वर्थ है ना मार्केट में वो 779 है। तुम एक और कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर करने का कोर रीजन क्या है, मेरी वर्थ इंक्रीज हो जाए, मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम एक्विजिशन के बाद तुम्हारी वैल्यू 778 हो जाए या 777 हो जाए या 776 हो जाए? नहीं, ये तो नहीं चाहूंगा मैं। हाँ, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि यार मेरी अगर आज वैल्यू 779 है, मेरे शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो 779 है, तो मर्जर के बाद एटलीस्ट 779 तो शेयर होल्डर्स की मेरे वैल्यू रहे। मेक सेंस? मैं जनरली तो चाहूंगा फायदा हो मुझे, मैं जनरली तो चाहूंगा मेरी आज शेयर होल्डर्स की वेल्थ अगर 779 है तो 779 से इंक्रीज हो। लेकिन एट द मिनिमम मैं ये चाहूंगा कि मैं ब्रेक इवन तो करूं, यानी कि आज जो मेरी वर्थ है उतनी ही वर्थ तो रहे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल तुम ब्रेक इवन करते हो तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी सैनर्जी क्रिएट हुई है उसका बेनिफिट तुम काउंटर पार्टी को ऑफर कर रहे हो। देखो ये 316 की सैनर्जी है, ठीक है ना। होना क्या है यार, होना यह है कि कुछ केएल के शेयर होल्डर्स हैं जिनकी वैल्यू आज 779 है, कुछ एसएल के शेयर होल्डर्स जिनकी आज वैल्यू 254 है, इनकी मिलाकर वैल्यू 1033 है, इन सब की अब वैल्यू 316 से बढ़ने लगी है। केएल अगर अपने बारे में बुरे से बुरा सोचे तो वो ये कहेगा कि यार मैं आज मेरी कंपनी की वर्थ 779 है, मेरे शेयर होल्डर्स के शेयर आज 779 के हैं, तो नई कंपनी में मेरे शेयर होल्डर्स के शेयर एटलीस्ट 779 के तो हों। इसका मतलब मैक्सिमम जो मैं पे करूंगा वो ये है कि मैं उसको बोलूंगा सेल को कि यार 254 तो तुम अपने रख लो, ये तो तुम्हारी वर्थ बनती है, और हमारे मर्ज होने से या हमारे तुम्हें खरीदने से जो हमें फायदा मिल रहा है कुल मिलाकर दोनों को वो 316 का मिलेगा, वो सारा फायदा तुम ले जाओ, ये मैं तुम्हें मैक्सिमम पे कर सकता हूं, यानी कि मैं तुम्हें 254 प्लस 316 यानी कि 570 ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, 570 की ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कर सकता हूं, 571 की पेमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, 570 की पेमेंट की दूसरी लॉजिक क्या है? देखो नई कंपनी जो है उसकी वर्थ कितनी होगी, नई कंपनी की जो वर्थ होगी वो होगी 1349 में दो शेयर होल्डर्स होंगे या दो लोग होंगे या दो पार्टीज हैं, केएल वाले हैं और एसएल वाले हैं। अगर मैं 570 की वर्थ इनको दे देता हूं या 570 की पेमेंट कर देता हूं, कंसिडरेशन दे देता हूं, 570 की मार्केट वैल्यू के वर्थ शेयर्स इनको नई कंपनी में दे देता हूं आउट ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ 1349, तो मेरे पास जो शेयर्स बचेंगे वो होंगे 1349 माइनस 570 विच इज 779 के। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्राइस या मैक्सिमम कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हो, यानी कि मैक्सिमम कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम कंसिडरेशन मैक्सिमम पेमेंट कैलकुलेट करने का एक जो तरीका है वो ये है कि मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर एक्विजिशन प्लस ऑल सिनर्जी बेनिफिट्स, ऑल सिनर्जी बेनिफिट्स। मैं सामने वाले को बोलूंगा यार तू पैसे मांगता है, तू मुझसे जो है ना वो अपनी कंपनी की प्राइस मांग रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये दे सकता हूं कि तेरी कंपनी की जितनी आज वर्थ है वो भी मुझसे ले ले, और हम दोनों के मिलने से जितनी भी ग्रोथ होगी हमारी या सिनर्जी का फायदा होगा हम दोनों को मिल मिलाकर, वो सारा फायदा भी तू अपने पास ही रख ले। इससे ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैंने इसको 571 भी पे किया तो मैं 778 पर आ जाऊंगा। तो यार फिर मेरे मर्जर का फायदा क्या?
ठीक है ना, मर्जर तो मैं तब करूंगा जब मुझे कुछ दो पैसे बचे, मेरी वर्थ दो पैसे इंक्रीज हो, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं उसको पे करूंगा। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है, एक फॉर्मूला तो ये है, मैक्सिमम कंसिडरेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी प्री एक्विजिशन प्लस ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका, अच्छा इसके बारे में मैंने एक मैक्सिमम कंसिडरेशन मैक्सिमम प्राइस की वीडियो भी बनाई है, जनाब उसको देख लीजिएगा, वो अच्छी वीडियो है। दूसरा तरीका भाई ये है कि मैं दूसरे तरीके में ये कहता हूँ कि जो मैक्सिमम कंसिडरेशन है वो इक्वल है नई कंपनी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने, नई कंपनी की वैल्यू थी 166, कितनी थी भाई नई कंपनी की वैल्यू 1662 थी, नहीं हाँ बिल्कुल 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 नई कंपनी की जो वैल्यू थी वो थी 1662। अच्छा नहीं, उसमें से हमने वो वैल्यू ऑफ डेट भी माइनस कर दी थी ना, वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दी थी, ये तो मर्ज कंपनी की वैल्यू है, इसमें से इक्विटी के लिए 165 और 148 दोनों माइनस करने हैं, 313 माइनस करने हैं, 313 माइनस करते हैं तो नई कंपनी की जो वैल्यू है वो 1662 माइनस 313 1349, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ये कि मैं उसको समझाऊं कि यार देखिए नई कंपनी है ना, इसकी टोटल वैल्यू होगी 1349, तुम पूछ रहे हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कितना पे करेंगे, तो मैं उसको समझाऊं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोई नुकसान तो नहीं करेंगे ना, वो बोलेगा हाँ, तो वो बोलता है आज हमारे सारे शेयर्स की वर्थ 779 है, मर्जर कर लें उसके बाद भी हमारे शेयर्स की वैल्यू एटलीस्ट 779 ही रहे, बकाया जितना भी है वो तुम्हारा, तो 1349 में से 779 माइनस कर दो तो भी 570 बचता है। ये क्या तरीका है, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर, ठीक है, और इसको लॉजिकली समझना। अच्छा इसमें एक शेयर एक्सचेंज रेशियो वाला बड़ा अच्छा सवाल है के बनाता है, वो भी जरूर लाजमन देख लेना, ठीक है। नहीं एक वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं और इसका एक हैंडआउट भी मैं भेजूंगा मैक्सिमम कंसिडरेशन का, इंशाल्लाह आज आप लोगों को मिल जाएगा। अब पार्ट बी को हम अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।